हाय गाइस, आज हम देख रहे हैं मधुमेह का नेचुरल ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या कवर होते हैं वो पहले में आप देख सकते हैं। कषायों की सूची, सिरदानी के साथ डाइट प्लान, व्यायाम मोस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अखाराई, ठीक है, मतलब क्या छोड़ना है, खाने में क्या छोड़ना है। ठीक है, पहले कषाय में क्या क्या पत्ते इस्तेमाल करना वो देखेंगे। गिलोय के पत्ते और दो बड़े पत्ते हैं तो दो, छोटे पत्ते हैं तो चार। ठीक है, और जामुन के पत्ते चार पत्ते, और कुंदरू के पत्ते दो पत्ते काफ़ी है, थोड़ा बड़ा है ये। पुदीना का पत्ते दस पत्ते लेके हमको कषाय बनाना पड़ता है। मुरिंगा का पत्ते, मुरिंगा के पत्ते वो थोड़ा छोटा पत्ते है, इसीलिए 20 या 25 देना पड़ेगा कषायन बनाने के लिए। और कंगी के पत्ते इधर है, आप देख सकते हैं, इस यहाँ पे है। ठीक है, वो चार पत्ते काफ़ी है। और मेथी का पत्ते, ये भी छोटा पत्ते है, 20 से 25 लेना पड़ेगा कषायन बनाने के लिए। अभी हम देखेंगे धनिया का पत्ते। ठीक है, धनिया का पत्ते भी छोटा पत्ते है ना, इसीलिए इसमें ये भी 10 से 15 लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए ये कषायन का प्लान है। ठीक है, पहले सप्ताह नहीं तो पहले हफ्ते गिलोय के पत्ते, दूसरा हफ्ते जामुन के पत्ते, तीसरा हफ्ते कुंदरू के पत्ते, चौथा पुदीना, पांचवा मोरिंगा या सहजन के पत्ते, उसके बाद कंगी के पत्ते, आखिरी हफ्ता मेथी का पत्ता। ठीक है, यदि आपको इसमें एक या दो पत्ते नहीं मिला तो उसको छोड़ के बाकी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके एरिया में कुंदरू के पत्ते अवेलेबल नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तीसरा सप्ताह में हमको ये पुदीना तक जाना पड़ता है। ठीक है, और सातवें के बाद फिर हमको पहले हफ्ते का जाना पड़ेगा, मतलब ये साइकिल रिपीट करना ही पड़ेगा। और खादे मतलब कषायम और अगले भोजन के बीच में 45 मिनट से एक घंटा गैप होना चाहिए। ठीक है, अंतर होना चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद डाइट में कुटकी दो दिन। ठीक है, क्या क्या करना पड़ेगा, अगर आप तीन बार खा रहे तो तीन बार कुटकी से खाना पड़ेगा। ठीक है, राइस से नहीं खाना चाहिए, सिर्फ कुटकी का, कुछ भी बनाओ, इडली बनाओ, डोसा बनाओ, कुछ भी बनाओ, कुटकी का बनाओ और खाओ। ठीक है, अगर दो बार का खाए तो दो बार भी एक कुटकी का खाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद दो दिन कोदो, और दो दिन जंगोरा बोलते हैं इसको, सावा बोलते हैं, और दो दिन कंगनी और काकुम। ठीक है, कंगनी ज़्यादा से ज़्यादा कंगनी बोलते हैं इसको, ये दो दिन इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद दो दिन मकरा या मुरात, इसको दो दिन इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ये डाइट प्लान है। 10 दिन यही कार्यक्रम के अनुसार हमको सिरदानी का सेवन करना ही पड़ेगा, और इसके बाद हमको रिपीट करना पड़ेगा इस क्रम को। तब तक आप बीमारी से बाहर ना हो तब तक इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक होने तक चावल, रोटी, गेहूँ उत्पाद नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, केवल बुलचालित तेलों को इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ बुलचालित तेलों। ठीक है, कुकिंग में इस्तेमाल करना चाहिए बुलचालित तेलों। ठीक है, और सिरदानी कैसे पकाएं, चावल की तरह पका सकते हैं, नहीं है तो खमीर बना के भी खा सकते हैं। खमीर मतलब उसको बोलते हैं किनवित ग्रुत भी बोलते हैं उसको, ये अंग्रेज में बोलते हैं पोरेज। सिरदानी को चावल की जैसा पकाना, पहले एक गिलास का सिरदानी के लिए 3 गिलास का पानी डालना चाहिए। इसे 8 घंटे के लिए बाहर रख मतलब किसी जगह पे रखना चाहिए,
ठीक है, 8 घंटे के बाद पका सकते हैं, ठीक है, खुले बर्तन में। और खमीर कैसे बनाना, या तो दानेदार सिरदानी को ले सकते हैं, नहीं ये तो साबुत सिरदानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास का पानी सिरदानी के लिए 6 से 8 गिलास पानी डालना चाहिए, नहीं ये तो आपको 10 गिलास का भी पानी डाल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा पतला हो जाएगा सिर, वही दिक्कत है। इसे 8 घंटे छोड़ना पड़ेगा, 8 घंटे के बाद खुले बर्तन में पकाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार जब तक जब यह पक जाए तो ढक्कन खोल के इसे ठंडा होने के लिए रखना पड़ेगा, ठीक है। ठंडा होने के बाद एक सूती कपड़े लेके उसका शीर्ष को बांधना पड़ेगा, ठीक है, और उसे 8 से 10 घंटा रख के उसके बाद खाना चाहिए। अगर वो समर का सीजन है तो 6 से 7 घंटा काफ़ी है। व्यायाम, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्यायाम, ठीक है। एक दिन में कम से कम 1 घंटा तो वॉकिंग करना ही चाहिए, ठीक है। अपने चलने के समय धीरे धीरे दिन के बाद दिन बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसा दिन के बाद दिन, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पोल्यूटेड एरिया में रह रहे तो फिर आप ट्रेडमिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं वॉकिंग करने के लिए, ठीक है, आपका मर्जी है, लेकिन वॉकिंग तो ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अकादाई मीन्स जो छोड़ना चाहिए खाने में, दूध और सभी डेयरी उत्पाद नहीं खाना चाहिए, ठीक है। दही खा सकते हैं, लेकिन होममेड घर का बनाने वाली दही तो खा सकते हैं, डेयरी का नहीं। चावल और गेहूँ का उत्पाद और रिफाइंड तेल, चीनी, गुड़ भी नहीं खाना चाहिए। पाम जागरी खा सकते हैं, ठीक है, वो आखिरी में दिखाएंगे, फोटो आपको दिखाएंगे, वो तो खा सकते हैं, जब आपका HbA1c इज लेस देन 8, HbA1c अगर 8 से कम है तो आप थोड़ा वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पाम जागरी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका HbA1c 8 से ज़्यादा है तो आपको स्वीट का प्रोडक्ट कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये पाम जागरी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। गेहूं का पाउडर और परिष्कृत गेहूं का पाउडर, ठीक है, चाय, काफ़ी, सभी बेकरी उत्पाद, पॉलिश्ड सिरदानी या परिष्कृत सिरदानी, मतलब परिष्कृत है। मांसाहारी भोजन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। शीतल पेय, कूल ड्रिंक्स, दैट इज पिज्जास, बर्गर्स, पास्तास, नूडल्स, सभी डिब्बे बंद करके रखता है ना कहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में, उस पदार्थ को बिल्कुल टच भी नहीं मत करना चाहिए, ठीक है। और रेडीमेड प्रोडक्ट्स है ना, रेडी टू ईट फूड्स, रेडीमेड प्रोडक्ट्स वो होता है वो शॉपिंग मॉल्स में, ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स में होता है, उसका भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अभी आप देखेंगे कैसे ये कषाय बनाना है, ठीक है। हाय गाइस, आज हम देख रहे हैं जामुन के पत्ते का कषाय कैसे बनाना, ठीक है। ये इसको अंग्रेज में बोलते हैं डिकॉक्शन, गोवा वाले उसका डिकॉक्शन, ठीक है। अभी मैंने 4 पत्ते लिया था, थोड़ा रनिंग वाटर में उसको साफ करना पड़ेगा। पूरा साफ करने के बाद आप देख सकते हैं वो 4 पत्ते ऐसे रखा था, ठीक है, सिर्फ 4 पत्ते काफ़ी है उस साइज का। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमको 250 ml का पानी चाहिए होगा, ठीक है, एक बर्तन में वो पानी डालना पड़ेगा, ठीक है। मैंने डाल दिया और वो उसको गर्म करना पड़ेगा, ठीक है, स्टोव के ऊपर रख दिया और गर्म कर दिया। 250 से 280 ml तक ले सकते हैं। थोड़ा बबुल्स आने के बाद 4 पत्ता उसमें डाल के ढक्कन को ऊपर रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद लो फ्लेम में तीन या 4 मिनट तक रखना पड़ेगा, ठीक है। लो फ्लेम में रख दिया था 3 या 4 मिनट तक।
उसके बाद क्या करेंगे, और टाइम होने के बाद क्या है कि फिर बाहर रखना पड़ेगा 3 या 4 मिनट, ठीक है, कुकिंग होने के मतलब स्टोव के ऊपर 3 या 4 मिनट रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बाहर 3 या 4 मिनट रखना पड़ेगा वो ढक्कन उसका ऊपर रख के, ठीक है। अभी 3 मिनट हो गया था, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, उसको ढक्कन खोलेंगे, खोल के उसको जो अंदर है क्या है, पत्ते को निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये जामुन के पत्ते, ये तो थोड़ा मोटा है, इसीलिए मैंने स्टील स्ट्रेनर या फिल्टर का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। मोटा पत्ते नहीं है तो हमको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और छोटे पत्ते में भी वो स्टील स्ट्रेनर या क्या है कि उसको क्या बोलते हैं फिल्टर, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी गर्म होने के टाइम समय हम पी सकते हैं, गर्म होने के टाइम पियेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, तुम्हारा मर्जी है। जैसे पीना, ये स्पून पकड़ के, मतलब ये ग्लास में रख के स्पून पकड़ के सिप बे सिप पीना चाहिए, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, और जो पत्ते हैं वो उसको फेंक सकते हैं, वो किसी काम का नहीं है। और पाम जागरी भी ऐड कर सकते हैं, पाम जागरी मिला के भी पी सकते हैं, तुम्हारा मर्जी है, ठीक है। ठंडा करके भी पी सकते हैं, नहीं है तो ऐसे गर्म होने के टाइम पाम जागरी को मिक्स करना पड़ता है, मिक्स करके पी सकते हैं ऐसे, ठीक है। वो उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा रहेगा पाम जागरी इस्तेमाल करेंगे तो। See how beautiful this nature is. You also start planting the trees. Let us bring a new change in our society. Let us plant the trees and let others plant the trees. Let's take this pledge seriously from now. Thank you.